आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जावेद चौधरी जी के स्वागत के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं। आज यहाँ पर ये नगरोटा के एरिया में आप देख सकते हैं किस तरह हजारों की तादाद में लोग आज सड़कों पर यहाँ निकल चुके हैं। जावेद साहब जिंदाबाद के यहाँ नारे लग रहे हैं, शाहीन अख्तर जिंदाबाद, देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मेरे साथ खालिक सरपंच जी है, मैं इनसे जानना चाहूंगा जी खालिक जी आज जिस तरह यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग निकल चुके हैं जी, यहाँ पर आज हजारों की तादाद में लोग निकल चुके हैं। जावेद अख्तर जिंदाबाद, ये जितने भी लोग आए हैं सब जावेद साहब की वजह से हैं, क्योंकि इस पंचायत के अंदर जावेद साहब ने करोड़ों रुपए जो है वो खर्चे हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ आए हैं। और जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं ये चौधरी जावेद साहब की वजह से आए हैं, क्योंकि इस पंचायत को बल करने में जावेद चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने पूरा काम किया इस पंचायत में। इनका नाम सुन के सरपंच साहब में आज यहाँ इलेक्शन नहीं है, फिर भी यहाँ हजारों की तादाद में लोग निकले हैं कि आम जो कोटताड़ा और इर्द गिर्द के जितने लोग भी हैं वो जावेद साहब को चाहते हैं और जावेद साहब के साथ हैं लोग, इसलिए सब लोग जो हैं जावेद साहब के साथ आए। ये देख सकते हैं जिस तरह खालिक सरपंच साहब ने कहा है आज इलेक्शन नहीं है, लेकिन हजारों की तादाद में नगरोटा कोटताड़ा में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर एक अजूबा निकल चुका है। ये देख सकते हैं किस तरह जावेद चौधरी की वेलकम के लिए लोगों ने यहाँ पर आज जिंदाबाद।
जहां पर भी नजर जाएगी आप देख सकते हैं जावेद साहब जिंदाबाद के यहां नारे लग रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग यहां पर निकल चुके हैं। آج تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمارے مہمان خصوصی جناب چودھری جاوید صاحب اور ان کے ساتھ سرپنچ ہیں، ان کے ساتھ تشریف لا چکی ہیں۔ میں اسٹیج جناب ستندر صاحب کو دیتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر آئیں، ہر کچھ پکڑ ڈالے عمران حضرات سے گزارش کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آج یہاں الیکشن نہیں ہے، پھر بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آج لوگوں سے ملاقات کریں گے، تو میڈم کا جو آج ویلکم کرنا ہے پنچایت میں اور ان کو مبارکباد پیش کرنی ہے۔